हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। तो अभी सुबह का बज रहा है 6, तो आज मेरा है फेयरवेल, तो जल्दी से सुबह उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे और पहन के जाएंगे। आप लोग को कोशिश करेंगे फिर से पूरा वीडियो बना के दिखाने का, क्योंकि लास्ट रहेगा स्कूल भी और भौरा भी, उसके बाद हमको नहीं लगता कि फिर कभी जाएंगे। और तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मज़ा आएगा, आप लोग को भी अपना फेयरवेल याद आएगा। तो वीडियो देखना और पूरा कोशिश करेंगे अच्छा से वीडियो बनाने का और एक प्रॉपर कंटेंट आप लोग को देने का। तो अभी जस्ट उठे हैं तो सोचे यार देखो बताते वीडियो क्यों हम बनाते हैं। जैसे कि अब हम जैसे कि एक समय पता है सब बूढ़े हो जाते हो, आप लोग इतने बड़े कैसे हो गए आप लोगों को पता नहीं चला। तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ यादें नहीं रहेंगे कि अच्छा उस समय हम अरे वो करते थे, मेरे पास एक प्रॉपर वीडियो रहेगा। तो जब हमको याद आएगा तो वीडियो के थ्रू हम देख लेंगे, तो उतना कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आपका भाई ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करता है कि भाई पैसा कमाना है, यूट्यूब से फेम कमाना है, नहीं, बस अपने मज़े के लिए और आप लोग को मज़ा दिलाने के लिए, मतलब हंसाने के लिए। तुरंत आप लोग के माइंड में रॉन्ग थिंग चलने लगता है, तो बातें कम, नहा धोवा के मिलते हैं और क्या पहन के जाएंगे वो भी आप लोग को बताते हैं। पहन वगैरह पता है ना, खुशी में ना कुछ बोला भी नहीं जाता है। तो गाइज फिर से बोलते हैं, तो गाइज पहन वगैरह का हो गए हैं आपका भाई तैयार, एकदम मस्त प्लान था ब्लैक कलर का पहनने का, लेकिन शर्ट, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं पहना क्योंकि गर्मी में बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने ना ही पूरा डार्क ब्लू लिया है और ना ही पूरा लाइट ब्लू, बीच में है। और एक मिनट बैक कैमरा गाइस, जो हमारा फॉर्मल है मैं फॉर्मल पहन के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब स्कूल में बोला गया था कि पूरा झाड़ झूड़ के नहीं आना है, नॉर्मल ड्रेस में आना है, फॉर्मल टाइप का ड्रेस में आना है। तो आपका भाई का पता है, मुझे पता है जूता जूता इस लुक को खराब कर दे रहा है। इसमें मतलब वो फिदा फिदा टाइप वाला जूता चलेगा, लेकिन वो जूता फट चुका है, तो अभी हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा। और एक चीज और मैच नहीं कर रहा है, हम लोग का बेल्ट ये ब्लैक कलर का होना चाहिए था लेकिन ये ब्राउन कलर का है यार, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये फेस तो चमक रहा ना, और कुछ चमके चाहे नहीं चमके क्या। तो हो गए हैं हम लोग तैयार, अब कुछ देर में घर से निकलेंगे, बाय चांस दोस्त आएगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग को फेयरवेल टाइम मिलते हैं, दोस्त लोग के साथ मिलते हैं, कहीं आप लोग से मिलते हैं और वीडियो में आएगा आप लोग को जबरदस्त मजा। और मतलब ड्रेस मेरा कैसा लग रहा नीचे एक बार कमेंट में बता देना यार, दोस्त का थोड़ा हौसला बढ़ा देना प्लीज। हम लोग का दो दोस्त आ चुका है और सुमित वो आ रहा है, आप लोग जानते हैं उसके साथ क्रिटिकल केस हो गया है, वो अपना चेहरा तो नहीं दिखाएगा, वो भी आ रहा है पहन वहन के, फिर हम लोग डायरेक्ट स्कूल पास मिलते हैं। मेरा सुमित दोस्त भी तैयार हो गया है, अरे कोई दिक्कत नहीं वीडियो में सुमित वायरल हो गया है, इसको सब जानता है। तो अब हम लोग जाएंगे स्कूल और फन करेंगे ढेर सारा। देख ली कुछ दो लव्स, तुम खाली देख रहा कुछ बोल नहीं रहा, ये थोड़ा अभी समझ रहे हो ना डिप्रेस है, लेकिन निकल जाएगा भाई अपने। हम लोग स्कूल भी आ गए, हम लोग का तैयारी चल रहा है फेयरवेल का, एकदम एक नंबर हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो हम लोग सब ड्रेस पहन के आ गए, हाँ बिना ड्रेस का पहन के आए हैं और मात्र एक लगा है। और कैसा अरेंजमेंट आप लोग को दिखाते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं फटल चुंगा आया है ये फटा हुआ है, ए भाई थोड़ा सा हटो। तो गाइस आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, ये हमको लगता है आवाज से ज्यादा झरझराएगा तो आपको मजा आएगा। अरे ब्लॉगिंग कर रहा तो रखाल कुछ दो लफ्ज लास्ट लास्ट टाइम। हेलो गाइस, मैं रखाल सर, मैं चाहता हूँ कि हम सभी अच्छे नंबर से पास हो जाए और जो आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं हम सभी अपना लक्ष्य पूरा कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। ये देश का नाम रोशन करेगा लेकिन हम से नहीं हो पाएगा, हम सबको टीम के रोशन करवाएंगे। हम लोग गाना गाने वाले हैं अपने जो मेरा
माइक पर उड़ना भाई ऑडियंस क्या सुल्टी गाना बोल रहा है। वो हमारो भाई न देख खास करके जिसके लिए हिलो मत यार। आज की कौन तो रे भाई जो महत्वपूर्ण दिन सजाया गया है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फेयरवेल मतलब आज आपका आखिरी दिन नहीं है। आप घर के बच्चे ये मत समझिए कि आपसे हमारा स्कूल नाता तोड़ लिया। आपका रिश्ता हमसे हमारे शिक्षक से और स्कूल से हमेशा बना रहेगा। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 10 से जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम दीजिएगा आप लोग अच्छा भी होगा इन्हीं का और अच्छा होगा। किसी का नंबर कम आएंगे किसी का नंबर ज्यादा आएंगे।
स्कूल के सबसे मस्त सबसे अच्छा अंकल
क्या तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है? दुनिया के और लड़कियाँ मर गए हैं क्या जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया? अरे कभी अपने हाथ को आईने में जरा गौर से देखो, जब मार खाओगे। अरे नहीं नहीं बदनाम करेगी। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं एक मंथ बाद एग्जाम सब दे के। हम लोग गए थे ना, तो आपको एक बात पता है हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से? अरे इंडिया। अरे नहीं, जय श्री राम। वीडियो बना रहा हट, क्या होता बोलो? जय श्री राम। पेपर में छपेगा, फुटबॉल मारेगा, टीका डाल। जय श्री राम। हम बजरंगबली बोल रहे तो हमारे मौगी हमारा छोड़ के भाग गए। कहाँ के है? कहाँ के है? अरे भैया आज तुम कहाँ गए? अरे नहीं भागेगा, हमारा बाबू है, हमारा बेटा है। कैसे भागे? मेरा बेटा है, आपका बेटा। वीडियो बना रहा पहले।